Welcome back to all of you who are taking my online video classes. This is my 8th video related to the topic number 9 of chapter 1, that is creativity. Students, we are studying about the meaning of creativity, the process of creativity, and the thing how creativity is useful for any business. First of all, we understand the meaning of creativity. Creativity is the ability to do things in a new or different way with using skills or imagination. Simply, I say creativity is the ability to make or produce goods or things using skills or imagination. We have already studied in class 11th lot of about creativity and innovation. I am reading here, creativity is important to entrepreneur because it is the first stage in the process of innovation, providing the stimulus for opportunity, discovery and new venture creation. As new entrants, जैसे कोई भी एंट्रेंट है, कोई भी एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर ऑफन जस्ट आइडेंटिफाई देमसेल्फ अपॉन द सेम डायमेंशन एज क्रिएटिविटी. दैट मीन्स कोई भी एंटरप्रेन्योर है, कोई भी बिजनेस में आने के लिए सोच रहा है, कोई भी अपना एंटरप्राइज लेके आना चाहता है, इवन वो प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को लेके आता है, तो उसके सक्सेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं कंपेरिजन टू दैट एंटरप्रेन्योर जो नए एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को भी लेके आ रहा है लेकिन विद न्यू क्रिएटिविटी, कुछ मतलब न्यू वे से लेके आ रहा है उस प्रोडक्ट को. मतलब प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहा है लोगों की, वो क्रिएटिव वे में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. तो ये एक बिजनेस एंटरप्राइज, एक सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्राइज के लिए इंडिकेशन है. आगे यहाँ पे, फ्रॉम दीज इनिशियल एक्ट ऑफ क्रिएटिविटी एंटरप्रेन्योर मस्ट बिल्ड यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू क्रिएटिविटी को प्रेजेंट कर रखा है. सबसे फर्स्ट बताया है कि आप क्रिएटिविटी के अंदर कोई भी चीजें को, कोई भी प्रॉब्लम है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व करना, देन आफ्टर एनालाइज करना उस प्रॉब्लम के बारे में कि हाँ हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. उसके बाद में है इनक्यूबेट करना उसके, दैट मीन्स किस तरीके से हम लेके आएंगे, किस तरीके से इनक्यूबेट, मतलब दैट मीन्स हमारे माइंड में आइडियाज लेके आना. उसके बाद में लास्ट वन है क्रिएट करना, उस चीज को क्रिएट कर देना, लेके आना. ये है क्रिएटिविटी. इस क्रिएटिविटी को इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेनेशन किया है और इसको 4 पार्ट में बताया गया है. सबसे फर्स्ट है ऑब्जर्व, देन आफ्टर एनालिसिस, देन आफ्टर इंक्यूबेट, देन आफ्टर क्रिएट. स्टूडेंट्स, हमने बहुत क्रिएटिविटी के बारे में क्लास 11th में हमने डिटेल में डिस्कशन किया है. दैट मीन्स न्यू वे, किसी भी चीज को, किसी भी थिंग को, किसी भी बिजनेस में न्यू वे लेके आना, कुछ क्रिएटिविटी लेके आना, दैट आर ऑल पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी. नाउ वी आर मूविंग अ क्रिएटिविटी प्रोसेस. व्हाट इज क्रिएटिविटी प्रोसेस, किस तरीके से एक क्रिएटिविटी प्रोसेस हमारे बिजनेस के लिए हेल्पफुल होती है. इस प्रोसेस को टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है आइडिया जर्मिनेशन, देन आफ्टर प्रिपरेशन, नेक्स्ट इंक्यूबेशन, नेक्स्ट इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन. तो टोटली ये क्रिएटिव प्रोसेस के 5 पार्ट्स हैं. अब अपन 1 by 1 इस क्रिएटिव प्रोसेस के पार्ट्स को पढ़ रहे हैं. सबसे फर्स्ट हम पढ़े आइडिया जर्मिनेशन. क्या होता है आइडिया जर्मिनेशन? दैट मीन्स हमारे माइंड में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आइडिया आना, दैट ओनली हमारे माइंड में है उस वक्त कि हम इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम है उसको इस तरीके से अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. आइडिया आ गया है माइंड में, सिंपली एक आइडिया क्रिएट होना माइंड में, तो दैट इज आइडिया जर्मिनेशन. मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ, दिस इज द सीडिंग स्टेज ऑफ न्यू आइडिया. इट इज द स्टेज वेयर द एंटरप्रेन्योर रिकॉग्नाइज दैट एन अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट. ट्रेवल खाना, हमने एक केस स्टडी ली है उसके थ्रू मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे. जैसे ही जो मिस्टर पुष्पेंद्र है, उन्होंने देखा कि यहाँ पे लोगों की जो फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम है,
प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, उसके बाद में उनके माइंड में एक आइडिया आया, एक अपॉर्चुनिटी आई है कि हाँ हम जो फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम है इसको रिजोल्व कर सकते हैं. सिंपली एक माइंड में एक आइडिया क्रिएट होना, दैट मीन्स आइडिया जर्मिनेशन. आगे है क्रिएटिव आइडिया जर्मिनेट बिसाइड द इंटरेस्ट द नीड ऑफ ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड एरिया ऑफ स्टडी. यहाँ पे हमने आइडिया जर्मिनेशन के बारे में बताया है. अब हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन. प्रिपरेशन किस तरीके से हमारे बिजनेस में हेल्पफुल होगा. अब जो हम देख रहे हैं, हमारा फर्स्ट देखा आइडिया जर्मिनेशन, दैट मीन्स हमारे माइंड में आइडिया आना. अब हम नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं वो है प्रिपरेशन. प्रिपरेशन दैट मीन्स हमने हमारे माइंड में आइडिया आ गया है, लेकिन उस आइडिया को एक अपॉर्चुनिटी एक एंटरप्राइज में कन्वर्ट करने के लिए हमें लॉट्स ऑफ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. यहाँ पे प्रिपरेशन इस तरीके से नहीं है कि दैट मीन्स हमने सोर्सेज अरेंज करना स्टार्ट कर दिया. नहीं, यहाँ पे है कि एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करना, लुकिंग स्टार्ट करना उस वे से कि वो यहाँ पे प्रॉब्लम्स को रिजोल्व कर सके. किस तरीके से वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, उस जो आइडिया है उसके अंदर कुछ चेंजेस लेके आने हैं, या किस तरीके से मैं उस लोगों की जो प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व कर सकता हूँ. यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल कनेक्ट किया मिस्टर पुष्पेंद्र ट्रेवल खाना का, तो दैट मीन्स ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम जब उन्होंने सोचा कि लोगों को प्रॉब्लम है या हम यहाँ पे फूड कनेक्टिविटी लेके आ सकते हैं, तो उन्होंने माइंड में सब कुछ चीजें ऐसे नहीं थे कि हम कोई वेबसाइट लेंगे या लोगों को कनेक्ट करेंगे. नहीं, उन्होंने माइंड में जो आइडिया सोचा इस तरीके साथ था. वो इस तरीके से था कि हाँ हम लोगों को कनेक्ट करेंगे, किस तरीके से हम फूड प्रोवाइड करेंगे, टाइमली फूड, या जो भी उनके माइंड में आइडिया आ रहा है उसमें जो भी बहुत सारे चेंजेस लेके आ रहे हैं वो सब पार्ट है प्रिपरेशन के. ऑन द बेसिस ऑफ रीड कर रही हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ द आइडिया इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी द नीड इज एडजस्टेड बाय द एंटरप्रेन्योर एंड ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर द आंसर टू इम्प्लीमेंट द आइडिया. दैट मीन्स लुकिंग फॉर द आंसर, किस तरीके से वो आइडिया को इम्प्लीमेंट करेगा. इफ द आइडिया इज टू लॉन्च, If the idea is to launch a new product or service, then market research is conducted. यदि उसे लगता है कि ये idea हाँ possible है, तो सबसे first जो उसे task करना है वो है market research करना, उससे related market research करना. That means लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा. मार्केट रिसर्च करना क्यों जरूरी है, क्योंकि कोई भी एंटरप्रेन्योर यदि कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स कर रहा होगा, लॉट्स ऑफ मनी स्पेंड कर रहा होगा, और वो मार्केट रिसर्च के थ्रू जान सकता है कि ये बिजनेस या ये जो अपॉर्चुनिटी हम लेके आ रहे हैं ये हमारे लिए फ्रूटफुल होगी या नहीं होगी. दैट हैपेंस बिकॉज द सीड ऑफ द क्यूरियोसिटी हैज टेकन form of an idea. The entrepreneur foresee the future of the product. यहाँ पे बोला है जैसे market research करके entrepreneur future देख सकता है उस product का कि वो product successful रहेगा नहीं रहेगा. नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इनक्यूबेशन. जो क्रिएटिव प्रोसेस का थर्ड पार्ट है वो है इनक्यूबेशन. इनक्यूबेशन मीन्स है, इंक्यूबेशन को सिंपली बोले यहाँ पे, तो दैट मीन्स यहाँ पे बोला गया है दिस इज द सबकॉन्शियस असिमिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. This is a subconscious assimilation of information. That means ये information assimilation, subconscious assimilation मतलब हमारे mind में information को assim करना. दैट मीन्स ऐसा नहीं है अभी प्रैक्टिकल लाइफ में हम अपने माइंड में सोच रहे हैं कि हम ऐसा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बिजनेस कहाँ स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, ऑनलाइन करेंगे तो वेबसाइट लेके आएंगे, कौन सी वेबसाइट लेके आएंगे, उसका नाम क्या रखेंगे, रिसोर्सेज अरेंज करेंगे तो हम लोग रिसोर्सेज कहाँ से अरेंज करेंगे, ये सब माइंड में इसके बारे में सोचना. तो दैट मीन्स थर्ड स्टेज है दिस इज द सबकॉन्शियस असिमिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. दिस इज द ट्रांजिशन पीरियड. द एंटरप्रेन्योर स्टार्ट
thinking about the idea and implementation in his subconscious mind. That means entrepreneur ने उसके बारे में सोचना start कर दिया है, उसके बारे में implementation start कर दिया है अपने mind के अंदर. ये है incubation. तो हमने सबसे first देखा idea germination. That means हमारे mind में किसी चीज को करने के लिए, किसी business को, किसी हम problem को opportunity में convert करने के लिए एक idea हमारे mind में create हुआ है. Second thing हमने देखा preparation. हम उससे related idea के बारे में preparation कर रहे हैं, हम उस idea में चेंजेस लेके आने हैं तो वो लेके आ रहे हैं. देन आफ्टर हम मार्केट रिसर्च कर रहे हैं. मार्केट रिसर्च इसलिए कर रहे हैं कि हम जानना चाह रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, उसके फ्यूचर में वाइबल, उसके पॉसिबल होने के चांसेस हैं या नहीं है. थर्ड हमने देखा इनक्यूबेशन. इसके अंदर एंटरप्रेन्योर उससे यदि मार्केट रिसर्च में उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो एंटरप्रेन्योर उसके बारे में सबकॉन्सियस असिमिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है. दैट मीन्स वो इंफॉर्मेशन अपने माइंड में प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है कि किस तरीके से हम सोर्सेस को किस वे में अरेंज करेंगे. नेक्स्ट है इल्यूमिनेशन. इल्यूमिनेशन मतलब उनको रियलिस्टिक वे, रियलिस्टिक अप्लाई करना इल्यूमिनेशन होता है. दैट मीन्स हमने जो भी सोचा है अब हम प्रैक्टिकली उस चीज को स्टार्ट कर देना, दैट इज इल्यूमिनेशन. इन दिस पीरियड ऑफ इल्यूमिनेशन द आइडिया रीसर्फेस इन रियलिस्टिक वे एंड द एंटरप्रेन्योर कम आउट विद वाइबल प्लान टू गिव प्रैक्टिकल शेप बाय कलेक्टिंग रॉ मटीरियल, अरेंजिंग फंड्स, पॉलिसी मेकिंग for the implementation of idea, implementation of an idea. That means हम यहाँ पे देख रहे हैं illumination में जैसा जैसा उसने उस product के बारे में जो भी सोचा है अब उसके बारे में वो illumination करना उसने start कर दिया है. अब next है वो है verification. इसको हम बोल सकते हैं जो भी प्रैक्टिकली स्टार्ट किया है उसके बाद में रीवेरीफाई करना, टेस्ट करना कि सब कुछ सही है या नहीं है, और प्रूव करना कि हमने जितना रुपए इन्वेस्ट किया है वो हम उस तरीके से हमारे लिए फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा. वेरिफिकेशन और इसके बारे में मैं रीड कर रही हूँ. ऑल्सो कॉल्ड द वैलिडेशन और टेस्टिंग स्टेज. दिस इज वेयर द आइडिया इज वेरीफाइड टू प्रूव दैट इट हैज वैल्यू. This is the most difficult phase of creativity as obstacles begin to appear. This is the developing stage in which knowledge is developed into application. जैसा कि हमने देखा ये validation और testing stage है और यहाँ पे हम जो भी प्रैक्टिकली जो भी प्रॉब्लम्स है उनको फेस करेंगे, उनको फेस करने से उसके से रिलेटेड जो भी इश्यूज है उनको रिजोल्व करने का काम करेंगे. तो दैट दिस इज द डेवलपिंग स्टेज इन विच नॉलेज इज डेवलप्ड इनटू एन एप्लीकेशन. यहाँ पे हमारी जो क्रिएटिव प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई है. हमने यहाँ पे देखा कि क्रिएटिव प्रोसेस को टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. सबसे फर्स्ट है आइडिया जर्मिनेशन, देन आफ्टर प्रिपरेशन, उसके बाद में इनक्यूबेशन और इल्यूमिनेशन, एंड लास्ट वन इज वेरिफिकेशन. तो टोटल इस तरीके से इन पार्ट्स को डिवाइड कर दिया गया है. अब हम पढ़ेंगे इनोवेशन. इनोवेशन जिस तरीके से हमने क्रिएटिव प्रोसेस के स्टेप्स पढ़ी उसी तरीके से हम इनोवेशन के बारे में भी स्टार्ट रीड करना स्टार्ट करेंगे. इनोवेशन के बारे में भी जानेंगे. सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज इनोवेशन, इनोवेशन का मीनिंग क्या है. सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं इट इज द प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस of entrepreneurship which involve the translation of a useful idea into an application which has commercial value. That means जो भी हमने न्यू सोचा है, जो भी कुछ हमारे माइंड में आइडिया आया है उसको कन्वर्ट कर देना एन एप्लीकेशन, उसको एक इस तरीके से बिजनेस में कन्वर्ट कर देना, या हमारे जो भी हमारे माइंड में आ रहा है उसको पर्टिकुलर सपोज कीजिए एक प्रोडक्ट के बारे में हमारे माइंड में आ रहा है उसको प्रैक्टिकली कन्वर्ट कर देना और उसको सेल करना मार्केट में. दैट मीन्स यदि हम उसको सेल करेंगे तो हमें उसके उसके बदले या उसको रिफंड में हमें उसकी वैल्यू रिसीव होगी, रुपए रिसीव होंगे. दैट इज इनोवेशन. एग्जाम्पल से कनेक्ट करूं कि लोगों ने बोला है कि एक किसी पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर ने सोचा है कि हम वाटर को क्लीन करने के लिए वाटर प्योरीफायर लेके आते हैं. तो दैट वो उसने सोचा है, अब उसने उस वाटर प्योरीफायर को एक्चुअल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया है और उसको मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर दिया है. तो दैट इज इनोवेशन. वापस मैं यहाँ पे इनोवेशन की डेफिनेशन को रीड कर रही हूँ. इट इज अ प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप
which involves the translation of a useful idea into an application which has commercial value. ओके गोट इट. अब आप हम स्टडी कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ इनोवेशन प्रोसेस. अब हम देखेंगे टोटल फोर एलिमेंट्स है इनोवेशन प्रोसेस के. फर्स्ट वन है एनालिटिकल प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, थर्ड वन इम्प्लीमेंटेशन एंड फोर्थ वन कमर्शियल एप्लीकेशन. फर्स्ट जो पार्ट है वो है एनालिटिकल प्लानिंग, सेकेंड पार्ट है ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, थर्ड पार्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड कॉमर्शियल एप्लीकेशन. अब हम इनके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं कि क्या बोल रही है ये चीजें. उस क्रिएटिव प्रोसेस से मोस्टली कनेक्ट रिलेटेड है, उसी तरीके की हैं. सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो है एनालिटिकल प्लानिंग. जैसा कि आपको समझ में आ रहा है नेम से, प्लानिंग करना यहाँ पे है. केयरफुली आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट और सर्विस फीचर्स, डिजाइन एज वेल एज द रिसोर्स दैट विल बी नीडेड. सिंपली मीन्स है जो भी हम प्लान कर रहे हैं उसके लिए हमें जो भी रिसोर्सेस चाहिए हम उन रिसोर्सेस को आइडेंटिफाई करेंगे. उन रिसोर्सेस के बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके हमें कौन से रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट है और हमारे बिजनेस के लिए किस तरीके से हम उन रिसोर्सेस के बारे में अरेंज कर सकते हैं. हम जो भी यदि हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हैं तो हम किस फॉर्म में लेके आएंगे, उसकी डिजाइन क्या होगी, उसका साइज क्या होगा, किस पॉपुलेशन को हम सर्व करेंगे. तो जो भी हम प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हैं उसकी डिजाइन, उसके रिसोर्सेज, उसके बारे में हमें आइडेंटिफाई करना है एनालिटिकल प्लानिंग में. सेकंड है रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन. रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स रिसोर्सेज जो भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है, उन सारे रिसोर्सेज को रिक्वायर्ड करना, दैट इज रिसोर्स प्लानिंग. यहाँ पे रीड कर रही हूँ, ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, मटेरियल्स, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन और कैपिटल रिसोर्सेज, उनके बारे में हमको ये रिसोर्सेज रिक्वायर्ड करने हैं. एंड द थर्ड है इम्प्लीमेंटेशन. जैसा कि हमने प्लानिंग कर ली है, रिसोर्सेज जो चाहिए उनको ऑर्गेनाइज कर लिया है, अब जो हमारा नेक्स्ट जो टास्क बचता है वो है इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंटेशन दैट मीन्स उसको एप्लीकेबल कर देना, अप्लाई कर देना. अप्लाइंग द रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश द प्लान्स एंड डिलीवरिंग रिजल्ट्स, दैट मीन्स जो भी हमने प्लान किया है, जो भी हमने डिसाइड किया है पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में, तो उसके लिए हम हमारे रिसोर्सेज हैं उनको अप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हैं. और अप्लाई करने का रीजन क्या है कि हम वो जो हमने डिसाइड किया है वो रिजल्ट्स हमको चाहिए, ये हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन के अंदर. एंड द लास्ट प्रोसेस है कमर्शियल वैल्यू. कॉमर्शियल वैल्यू के अंदर हमको यहाँ पे बताया गया है द प्रोविजन ऑफ वैल्यू टू कस्टमर्स, रिवार्ड एम्प्लॉइज एंड सेटिस्फाई द स्टेक होल्डर्स. दैट मीन्स हमें इन सब के बारे में प्रोविजन बनाना है कि हम कस्टमर्स को वैल्यू किस तरीके से कर पाएंगे, कस्टमर को किस तरीके से प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पाएंगे, या हमें प्रोविजंस बनाने हैं कि एम्प्लॉइज को किस तरीके से रिवार्ड करेंगे, या जो हमारे स्टेक होल्डर्स है हम उनको किस तरीके से सेटिस्फाई कर पाएंगे. ये सब हमको यहाँ पे डिसाइड करना है कमर्शियल एप्लीकेशन के अंदर कि हम हमारे बिजनेस में जो भी ये हैं कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, स्टेक होल्डर्स, जो भी पर्सन हमारे बिजनेस से कनेक्टेड है, तो उनको हम किस तरीके से हम हमारे बिजनेस के थ्रू सेटिस्फाई कर पाएंगे, प्रोडक्ट के थ्रू, बेटर क्वालिटी के थ्रू, तो उनसे रिलेटेड हमें सारे प्रोविजंस बनाने हैं. ये हमारा यहाँ पे ये चैप्टर है वो कम्प्लीट हो गया है. चैप्टर वन है वो कंप्लीट हो गया है. यहाँ पे हम देख रहे हैं बुक के अंदर समरी पार्ट है, गिवन है. सबसे फर्स्ट हम समरी पार्ट्स में कुछ की पार्ट्स को देख रहे हैं. सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो गिवन है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के डेफिनेशन गिवन है. हमने ऑलरेडी पढ़ी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन इकोनॉमिक आइडिया विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू क्रिएट अ बिजनेस एंटरप्राइज एंड अर्न प्रॉफिट. अब यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी है,
उसी तरीके से यहाँ पे जो सारे टॉपिक्स जो भी हमने इस बुक चैप्टर के अंदर पढ़े उनके बारे में मेन टॉपिक्स मेन पॉइंट्स यहाँ पे समरी के अंदर मेंशन है। तो स्टूडेंट्स आपको ये समरी रीड करनी है ताकि आप पूरा जो टॉपिक्स है जो चैप्टर आपने यहाँ पे स्टडी किया उसको आप रिवाइज कर सके। यहाँ पे मैंने टॉपिक और चैप्टर कंप्लीट कर दिया है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप स्टूडेंट्स नोट्स प्रिपेयर करेंगे और इन जो टॉपिक हमने स्टडी किया है उसको रिवाइज करेंगे रीड करेंगे और लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके साथ में ये शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। ये रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं जो एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स है तो आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं कि आप इनको सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। इनके आंसर्स आपको जो बुक है उसके अंदर फाइंड आउट करने हैं। आप ई बुक के अंदर फाइंड आउट कर सकते हो बुक डाउनलोड करके आप उसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज जो की वर्ड्स है की लाइंस है जो मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाते टाइम अंडरलाइन कर रही थी हाईलाइट की हुई थी तो आप उसके अंदर इनके आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको इन क्वेश्चंस को रीड करना है इनसे आंसर्स फाइंड आउट करना है इनको लर्न भी करना है। ये आपका इस टॉपिक कंप्लीट हो गया है तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। अब मैं मेरे जो नेक्स्ट वीडियो है इसके अंदर हम चैप्टर सेकेंड स्टार्ट करेंगे। मतलब क्या है।